आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, डोंट थिंक इट इज ओवर, बिकॉज अब तो देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 दे रही है कि वो जो 5 है ना वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक एक और मुबैना ऑडियो लीक, कह रहे हैं 5 MNS तो मैं खरीद रहा हूं, ये गेम हमारे हाथ में है। आपको बड़ी गलत फहमी हो गई है कि नंबर गेम पूरी हो गई, ये नंबर ऐसा है नहीं। ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया, 48 घंटे बहुत अहम है, कई चालें चल रहा हूँ जो पब्लिक नहीं कर सकते। इसे कहें अगर वो 5 और कर दे तो 10 हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला का कहना है कि इमरान खान का फितना बेनकाब हो रहा है, उसने बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया घड़ा, ये झूठा और फ्रॉड शख्स है। आज की ऑडियो ने इस फितने को बेनकाब होने में रही सही कसर पूरी कर दी। लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर तरह की सहूलत देंगे, किसी मुसल्लह जत्थे को कब्जे की इजाज़त नहीं दे सकते, पूरी ताकत से लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। उधर वज़ीर दाखिला की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें सरकार दफातर पर साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात पर गौर किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान, मियांवाली में जलसे से खिताब में बोले, नौजवानों तैयारी कर लो, मैं कॉल दूंगा, आजादी मिलती नहीं छीनी जाती है। इस वक्त अमेरिका के गुलामों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया, माफियाज लोगों का जमीर खरीदते डराते धमकाते या लोटा बनाते हैं। अच्छा हुआ शहबाज शरीफ के मुरासले की तहकीकात का याद आ गया, मैं भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुरासले की तहकीकात के लिए लिखा था। इमरान खान की हवस अना से शुरू और इक्तदार पर खत्म होती है, उनका वतीरा है इतने झूठ बोलो कि सच लगने लगे। वफाकी वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल, कहा इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये खुद वजीर आजम के हलफ से वफादार नहीं, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश की गई, इक्तदार किया गया, मुल्क के साथ दुश्मनी शुरू कर दी। FIA की PTI रहनुमाओं के खिलाफ 3 बड़े शहरों में कार्रवाइयां, इस्लामाबाद के सेनेटर सैफुल्ला नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया, लाहौर से हामिद जमान को भी उठा लिया गया, कराची में तारिक शफी के घर छापा, मोबाइल फोन समेत अहम अशिया तहवील में ले ली। उधर वजीर दाखिला ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी, कहते हैं हिफाजती तहवील में लिया है। तहरीक इंसाफ का गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद रद्द अमल, फवाद हुसैन चौधरी का कहना है, मुल्क में इतनी बड़ी फिस्ताइयत कभी नाजिल नहीं हुई, इससे ज्यादा ताहीने पार्लियामेंट की हो ही नहीं सकती, चेयरमैन सेनेट गिरफ्तारी का नोटिस लें। हम्माद अजहर ने कहा, राना सना जिसे खुद सलाखों के पीछे होना चाहिए वैसे शहरियों को गिरफ्तार करवा रहा है। इफ्तिखार दुरानी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असद उमर बोले, PDM की बाकी जमातों की तरह नून लीग की सियासत भी खत्म हो गई। चौधरी शुजात हुसैन का साबिक सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता, खैरियत दरियाफ्त की नेक तमन्नाओं का इजहार, चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि आसिफ जरदारी अस्पताल में हैं और हौसले बुलंद हैं, इमरान खान लॉन्ग मार्च से पहले अपने एजेंडे का ऐलान करें, नंबर 1 आइटम इलेक्शन नहीं है, गरीब आदमी के लिए अशिया जरूरिया की कीमतें कम करने का हल तजवीज़ करें, फौज आइनी तरीके से चल रही है, उनका इंटरनल सिस्टम बहुत मजबूत है, आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद उसकी कोई बरादरी नहीं रहती। नवाज शरीफ से लंदन में लीगी मेंबरान, सूबाई असम्बली और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मरियम नवाज शरीफ और नून लीग बरतानिया के अहदेदार भी मौजूद थे। फॉरन फंडिंग केस में साबित हो गया तहरीक इंसाफ इंपोर्टेड पार्टी है, एक तरफ इस्तीफे देते हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन में जाते हैं,
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनको कोई ख़त नहीं आया। तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना और मईशत ख़राब करना है। सदर पाकिस्तान आईनी काम करते तो लोग उन पर एतमाद करते। डॉलर की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 2 पैसे सस्ता 219 रुपये 92 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे कमी 222 रुपये में फरोख्त हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबारी हफ्ते का मनफी जोन में इख्तिताब। 100 इंडेक्स में 75 पॉइंट्स की कमी 42085 की सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानी रुपए के साथ खेल खेला गया, किसी को अवाम के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया में डॉलर दीगर करेंसीज के मुकाबले में बढ़ रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें डॉलर कम और रुपया बढ़ रहा है। अल्लाह ने चाहा तो रुपए को उसकी असल वैल्यू पर वापस लाएंगे। उधर असासाजात केस में एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म, हाजिरी मुआफ़ी और जायदाद कुर्की के खिलाफ दरख्वास्त पर नापको नोटिस, 12 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट वापस आने की दावत दे दी। कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामेंट छोड़कर जाने वाले सियासत से भी बाहर हो जाते हैं, ऐवान से जाने वाले वापस आए और अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान है तो इदारे और हम हैं, सियासत गाली का नहीं खिदमत का नाम है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी चंद दिन जर्मनी में ही क्याम करेंगे और पाक जर्मन खारजा और तजारती ताल्लुकात पर जर्मन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जर्मन आला कयादत हुक्काम और अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मसनूई महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को लंदन से हिदायत। कहा कि महंगाई आम आदमी का मसला है, प्राइस कंट्रोल के मौसर निज़ाम के जरिए गरीब आदमी के लिए आसानियां पैदा की जाएं। अवाम को किसी सूरत महंगाई माफिया के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज, मरीजों की तादाद में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मरीजों की तादाद 10,743 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मजीद 342 डेंगू केसेस सामने आए। सूबे में अब तक 8 अफराद डेंगू से जान बहक हो चुके। एक रोज में पंजाब में डेंगू के मजीद 351 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 24 घंटों में डेंगू से मुतासरा एक और शख्स दम तोड़ गया। शहर में मजमूई तौर पर डेंगू से 7 अफराद जान बहक हो चुके। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 104 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियां, बाजार और इमारतें रंग बिरंगी झंडियों और बरकी कुमकुमों से सज गईं। शहरी घरों और मस्जिद को सजाने के लिए आराशी सामान की खरीदारी में मसरूफ। सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। छह मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। कौमी बॉलर्स के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की एक ना चली। हरीफ टीम 168 रन के ताकुब में 146 रन ही बना सकी। मोहम्मद वसीम जूनियर 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और वुमेन T20 एशिया कप, पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। 138 रन के ताकुब में इंडियन वुमेन्स 124 रन पर ही ढेर। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंडियन वुमेन्स की एक न चलने दी। निदा डार ने 56 रन नॉट आउट की शानदार इनिंग्स खेली। निशा संधू की 3 विकेटें,
निदा डार और सादिया इकबाल ने दो दो विकेटें हासिल की।